मोहम्मद अली को कौन नहीं जानता, 3 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। तो मोहम्मद अली और जॉर्ज फॉरमैन का वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मैच था, जिसमें लोगों को पता था कि क्या होने वाला है। लोगों को पता था कि फॉरमैन नॉकआउट पंच करने की ट्राई करेगा, जबकि मोहम्मद अली फॉरमैन की एनर्जी खत्म करने के लिए चकमा देगा। मोहम्मद अली का ये पैटर्न था कि वो मैच के शुरू होने के बाद में काफी टाइम तक वो बस सामने वाले को चकमा देते हैं, मारते नहीं है। मोहम्मद अली की पर्सनैलिटी लोगों के दिमाग में ये याद हो गई है कि ये चकमा देते हैं, सामने वाले के दिमाग पर वार करते हैं, सामने वाले के शरीर पर वार करने से पहले दिमाग पर वार करते हैं, सामने वाले का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म कर देते हैं, उसके बाद हराते हैं। और ये मोहम्मद अली का पिछले 10 साल से ये पैटर्न था, बॉक्सिंग स्टाइल था, जिसकी वजह से मोहम्मद अली का ये पैटर्न लोगों के दिमाग में छप गया कि ये ऐसा करते हैं तो इस बार भी ऐसा ही करने वाले हैं। अब हुआ क्या कि मोहम्मद अली ने फाइट से पहले एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में खुद ने ही, मोहम्मद अली ने ही बोला था कि मैं इस बारी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने वाला हूँ, इस बारी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर मैच स्टार्ट होते ही सीधा पंच मारना स्टार्ट करूँगा, मैं अब चकमा देने वाली टेक्निक नहीं अपनाने वाला। क्या बोला? कि इस बार मैं 10 साल से जो करता आ रहा हूँ, जो मेरा पैटर्न है, वो ना फॉलो करके डायरेक्ट पंच मारूंगा। पर किसी ने एक सेकेंड के लिए भी मोहम्मद अली की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि लोग आपकी पर्सनैलिटी याद करते हैं, आप जो करते आ रहे हो बहुत टाइम से उस पर विश्वास करते हैं, आपके पास्ट के एक्शंस पर विश्वास करते हैं, ना कि आप क्या बोल रहे हो अभी उसके ऊपर। जब मैच स्टार्ट हुआ, जब अली रिंग में आए, फोरमैन ने एक्सपेक्ट किया कि अली हर बार की तरह इस बार भी चकमा देंगे, जो कि इनका पैटर्न है, जबकि अली ने इंटरव्यू में कह दिया था कि वो सीधा पंच मारेंगे। मोहम्मद अली ने खुद ने कह दिया था इस बारी मैं वो पैटर्न फॉलो नहीं करूंगा, फिर भी फॉरमैन ने सोचा कि मोहम्मद अली फिर से वही चकमा देंगे, इन्होंने इंटरव्यू में तो ऐसे ही बोल दिया होगा। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ, मोहम्मद अली ने फॉरमैन को सीधा मुक्के मारने स्टार्ट कर दिया, जिससे फॉरमैन समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, और वो मैच हार गया। मोहम्मद अली मैच फिर से जीत गए। मोहम्मद अली ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन्होंने इंटरव्यू में बोला था, लोगों ने विश्वास ही नहीं किया इंटरव्यू के बाद पे। भले आप खुद भी चाहोगे आप अपनी इमेज, अपनी पर्सनैलिटी जो लोगों के दिमाग में छप चुकी है उसको बदलने की ट्राई करोगे, नहीं बदल पाओगे, बहुत वक्त लग जाएगा, आप नहीं कर पाओगे, एक झटके से नहीं कर पाओगे। लोग आप क्या करते आ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। अगर आप बदल चुके हो और वो बदली हुई पर्सनैलिटी यानी न्यू पर्सनैलिटी लोगों के दिमाग में आपको डालनी है, तो आपको वो कुछ दिन के लिए करना होगा। इसलिए जॉब इंटरव्यू के वक्त अगर आपके मार्क्स ऊपर नीचे है काफ़ी, आपके परसेंटेज कभी बहुत अच्छे आते हैं कभी बहुत बेकार आते हैं, तो आपके ऊपर विश्वास कम किया जाता है। भले आपके अचानक 80% बन गए, लेकिन एक टाइम तो आपके 50 बन रहे थे, फिर से 50 बन रहे, फिर से 80 बन रहे, तो आपके ऊपर कम विश्वास किया जाएगा। बल्कि अगर आपके परसेंटेज केवल 60 है लेकिन वो लगातार है, तो विश्वास किया जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आप स्टेबल पर्सन हो, इस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आप क्या कर सकते हो आगे, आप ऑन एंड ऑफ वाले इंसान नहीं हो। ऑन एंड ऑफ मतलब कभी अचानक जग गए अचानक सो गए। लोग आपके पास्ट के एक्शंस से जज करते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कितना पैसा कमा सकते हो उसकी कोई हद नहीं है, सुनना कैसे है। इवन सोशल मीडिया का एल्गोरिथम भी ऐसे ही वर्क करता है। अगर कोई यूट्यूबर है, कोई इंस्टाग्रामर है, काफ़ी टाइम से एक ही टाइम पर लगातार पोस्ट डालता है, लगातार वीडियो डालता है, भले उस पोस्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, एवरेज है, फिर भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर किसी का भी एल्गोरिथम आपका कंटेंट आगे तक पहुंचाएगा, ये मानते हुए कि इस इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न बनाता है, ये लगातार एक जैसे एक्शंस लेता है, बदलता नहीं है। ये साइकोलॉजी का बहुत फ़ायदा उठाया जाता है। ये जो पैटर्न है ये बहुत जगह फॉलो होता है, क्योंकि इससे आप लोगों का विश्वास जीत सकते हो, इससे आप लोगों का विश्वास भी जीत सकते हो, प्लस आप लोगों को समझ भी सकते हो इस पैटर्न से। एग्जाम्पल के लिए, कोई इंसान आपसे पिछले 2 साल में 10 बार 5,000 रुपये उधार लेके गया है, आपने 5,000 रुपये, 2,000-3,000 रुपये, 10,000 उधार दिए, 10 बार दे दिए आपने किसी इंसान को, और उसने टाइम पर दे भी दिए। और दूसरा कोई इंसान है जिसने पिछले 2 साल में जितनी बार भी उधार दिए उसको, उतनी बार उसने पैसे दिए ही नहीं, या दिए तो बहुत लेट दिए, टाइम पर नहीं दिए। अब दोनों में से पहला इंसान जो टाइम पर वापस दे रहा था, वो अगर 50,000 भी मांगेगा तो आप दे दोगे आराम से। वही दूसरी तरफ जिसने आपके पैसे खाए हैं या फिर बहुत लेट दिए हैं, उस इंसान के ऊपर आप 10,000 का भी भरोसा बहुत मुश्किल से करोगे। पैटर्न, हम पैटर्न में सोचते हैं।
हम एक्शंस को देखते हैं, हम बात नहीं देखते हैं, अभी क्या बोल रहा है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, एक्शंस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उस इंसान की पर्सनैलिटी आपके दिमाग में रजिस्टर हो चुकी है, अब वो बोलकर बदल नहीं सकता। पर्सनैलिटी देखी जाती है पास्ट के एक्शन से, इसलिए आपने देखा होगा बैंक लोन देती है वो सिविल स्कोर देखती है, और सिविल स्कोर अच्छा होता है जब आप टाइम पे ईएमआई देते हो, टाइम पे लोन चुकाते हो, क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर पे करते हो, ये सब टाइम पर करते हो, तब जाकर के आपका सिविल स्कोर बनता है। और एक अच्छा सिविल स्कोर को हम समझने के लिए ये मान सकते हैं कि ये आपकी पर्सनैलिटी बताता है, जिस पर बैंक ट्रस्ट कर सकती है। लोग जान करके लोन लेते हैं, जरूरत नहीं होती है, फिर भी ऐसा मैंने भी करा है, ताकि लोन लेकर टाइम पर पे करके सिविल स्कोर अच्छा बना सके, ताकि कभी फ्यूचर में बड़े लोन की जरूरत हो तो बैंक पिछले लोन की हिस्ट्री देख करके पता लगा सके कि इंसान विश्वास के लायक है, इसका सिविल स्कोर सही है, इस पर विश्वास कर सकते हैं, इसका पैटर्न हम देख पा रहे हैं, लोग पैटर्न पर विश्वास करते हैं। अगर आप बारीकी से देखोगे तो ये हर जगह अप्लाई हो रहा है, ये कहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज एड रन करती है, करोड़ों बहाती है, सिर्फ आपके दिमाग में उनकी इमेज बनाने के लिए कि वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपने देखा होगा एडवर्टाइज में वो अपने पुराने अचीवमेंट्स दिखाते हैं, उनके कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि वो सालों से एक चीज़ को बहुत अच्छे से करते आ रहे हैं, विश्वास जीतने के लिए अपना पैटर्न दिखाते हैं वो आपको कि ये हमारा पैटर्न है, इस पे विश्वास कर सकते हो। अगर आप बारीकी से देखोगे तो हर इंसान जो आपका विश्वास जीत लेता है तो उसकी वजह होती है वो कहीं ना कहीं पैटर्न दिखाता है आपको, क्योंकि इंसान का विश्वास जीतने का यही तरीका है कि आप बताओ आप पिछले कुछ सालों से क्या करते आ रहे हो, सबूत दो। क्योंकि उन कंपनीज को पता है कि बोलने से ज़्यादा बताने से विश्वास जीत पाएंगे कि हम काफ़ी सालों से क्या करते आ रहे हैं, या बताने से विश्वास जीत पाएंगे, इसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल्स। कोई कारण है जिस वजह से दुनिया में हर कंपनी करोड़ों बहाती है एड में। कई बार वो कुछ नहीं बेच रही होती है, बस केवल इमेज बनाने के लिए एड चला रही होती है, केवल इमेज बनाने के लिए, आपके दिमाग में बात फिट करने के लिए कि वो क्या करती है वो कंपनी। आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देखा होगा तो आपको मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैटर्न को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम काफ़ी टाइम से क्या करते आ रहे हैं, हमारे आने के बाद में क्या होने लग गया, ताकि वो विश्वास जीत सके। इसको बोलते हैं अथॉरिटी बिल्ड करना। इस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या है, सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगी चीज क्या है, वो है आपके पास में, वो है आपका ध्यान, आपका अटेंशन, लोगों का ध्यान, आपका बिहेवियर, आप कब क्या करते आ रहे हो वो बिहेवियर, आपका डेटा, आप क्या पसंद करते हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ये इतना आपको नहीं पता होगा जितना फेसबुक गूगल को पता है। ये एक पूरा अपने आप में फील्ड है डेटा साइंस, जिसमें इंटरनेट यूजर्स के डेटा को समझ करके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, स्टार्टअप आइडिया बनाए जाते हैं, बिजनेस आइडिया बनाए जाते हैं, सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, और काफ़ी हाई सैलरी होती है इनकी, डेटा साइंस की पूरी पढ़ाई होती है। डेटा साइंस में होता क्या है, लोग इंटरनेट पर काफ़ी टाइम से कब क्या देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सर्च करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, क्या कहाँ रुकते हैं, क्या शेयर करते हैं, ये सालों का डेटा, क्या उनके लाइक्स है, डिसलाइक्स है, इस डेटा को एनालाइज करके वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं कि यार ये बिहेवियर है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या बना सकते हैं जो बहुत बिकेगा। क्योंकि इंसान पैटर्न में सोचते हैं ना, पैटर्न पता चल गया इसका ये पैटर्न है तो आगे भी यही करेगा, मतलब खरीदेगा। क्योंकि जैसा अभी हमने जाना कि इंसान को परखा जाता है उसके पास्ट के एक्शन से, उसके बिहेवियर से, जो कि इंटरनेट पर इकट्ठा हो रहा है आपका, जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, जो भी कर रहे हो। और डेटा बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, आप न्यूज़ में सुनते हो ना डेटा लीक हो गया, तो डेटा कोई आपकी कोई फोटोज़ लीक नहीं हुए हैं, डेटा मतलब आपका बिहेवियर, आप कब क्या देखते हो, सुनते हो, स्क्रॉल करते हो, वो उनके लिए काम का है। आपकी जो प्राइवेट चीज़ें वो काम की नहीं, उनकी उनके लिए काम का है कि आपको पसंद क्या है, आपकी हैबिट्स क्या है, आपकी आदतें क्या है, वो उनके लिए काम का है, तभी तो प्रोडक्ट बना पाएंगे वो। सोचो लाखों लोगों का बिहेवियर, करोड़ों लोगों का बिहेवियर, उनकी हैबिट्स पता है तो कितना आसान हो जाता है प्रोडक्ट बनाना, कि उनको देना क्या है। अब पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है भाई, हर जगह मैटर करती है। इंटरनेट की दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है यूजर्स की पर्सनैलिटीज़ का डेटा। चलो डेटा साइंस तो अलग ही हो गई पूरी, मैं समझा रहा था कि वी ह्यूमंस, हमें दूसरों के बिहेवियर की इतनी आदत हो जाती है कि हम वो ही पुराने पैटर्न्स पर बार बार विश्वास करना पसंद करते हैं। हम पैटर्न्स पर विश्वास करते हैं, हम किसी के कहने पर विश्वास नहीं करते। मोहम्मद अली की अनाउंसमेंट भी काफ़ी नई थी, इंटरव्यू में उन्होंने खुद ने कह दिया था कि वो ऐसा नहीं करने वाले हैं इस बारी। मोहम्मद अली ने खुद ने कह दिया था कि अब मैं डायरेक्ट पंच मारने वाला हूँ, अब मैं 10 साल पुरानी स्टाइल को नहीं अपनाने वाला हूँ। लेकिन फिर भी ये अनाउंसमेंट काफ़ी नहीं थी, इतनी खतरनाक तरीके से इंसान विश्वास करता है पैटर्न्स पर। तभी फोरमैन भी इसमें फंस गए और वो हार गए, क्योंकि मोहम्मद अली ने अपनी अनप्रिडिक्टिबिलिटी अपनाई वहाँ पर, फोरमैन प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे
कि ये चल क्या रहा है, क्या तो ये रहे, करेगी कि नहीं करेगी पता नहीं, लेकिन 10 साल से तो कुछ और करते आ रहे हैं। अब इस पूरी वीडियो को सिर्फ एक लाइन में बोलूं तो क्या है, वो ये है कि लोग आप क्या करते हो, क्या करते आए हो काफी टाइम से, यानी कि आपकी हैबिट्स, आपकी पर्सनैलिटी, उस पर विश्वास करते हैं, ना कि अभी आप जो बोल रही हो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। गाइज, मैं तकरीबन 10 साल से इंटरनेट से सीख करके पैसा कमा रहा हूँ, वो काम करके जो मुझे पसंद है करना, राइटिंग, स्पीकिंग, मार्केटिंग, टीम लीडिंग, ये मेरे को बहुत पसंद है। आने वाले टाइम में मैं शॉर्ट फिल्म भी करूँगा। तो मैंने अपने पूरे 10 साल के करियर में अब तक एक भी हिंदी भाषा में पैसे कमाने के ऊपर या अमीर बनने के ऊपर एक भी कोर्स नहीं देखा मैंने ढंग का। इसलिए मैं खुद ऐसा कोर्स लेकर के आने वाला हूँ जिसमें आठवीं क्लास का बच्चा भी समझ करके इंटरनेट से या फिर किसी भी धंधे से वो चाहे उतना पैसा कमा सकता है, क्योंकि पैसा कमाना आर्ट है भाई। लोग एक बार समझ लेते हैं ये आर्ट, वो किसी भी काम से पैसा कमा लेते हैं। आपने देखा होगा लोग कम ज्ञान के साथ में भी लाखों कमा लेते हैं, और आपने देखा होगा कि बहुत ज्ञान के बाद भी, बहुत पढ़ाई करने के बाद भी 15,000 की नौकरी कर रहा है। इट्स एन आर्ट, पैसा कमाना आर्ट है। मुझे बस कोई एक इंसान दे दो जिसको पैसे कमाने की भूख है, नंबर वन, दूसरा उसको हिंदी आनी चाहिए, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ आना चाहिए, बस भूख होनी चाहिए उसके अंदर और उसको हिंदी आनी चाहिए। मेरे क्लब को ज्वाइन करके वो जिंदगी भर पैसा बना सकता है, एक टाइम के बाद में वो काम नहीं करेगा तब भी चलेगा, टीम बना करके वो अपना काम चला सकता है। ये कोर्स आज से 2-3 महीने बाद मैं लॉन्च करने वाला हूँ, सिर्फ लिमिटेड सीट्स होगी इसके अंदर और सिर्फ 24 घंटे के लिए टिकट्स ओपन रहेगी, सिर्फ 24 घंटे के लिए, उसके बाद में बंद हो जाएगी, उसके बाद में ये कोर्स कभी लॉन्च नहीं होगा, वापस कभी लॉन्च नहीं होने वाला है। यानी मैं एक तारीख बताऊंगा, लॉन्च डेट बताऊंगा, उस दिन वो लॉन्च होगा कुछ ही घंटों के अंदर और एनरोलमेंट क्लोज हो जाएगी, उसके बाद में कोर्स को कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। मुझे बस जिद्दी लोग चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आप अपने दिल से जिस काम को पसंद करते हो उस काम से ही पैसा कमाओगे, आप अपने काम से ही पैसा कमाओगे। मैं पैसे कमाने का तरीका बता रहा हूँ, माइंडसेट बता रहा हूँ केवल। मैं इस कोर्स में कुछ भी ऐसा नहीं बताने वाला जो ऑलरेडी आप खुद से सीख सकते हो इंटरनेट पर जा करके, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला आपको जो आप मेहनत करके खुद से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, मुझे नहीं मिला मतलब। इनफैक्ट इसमें एक चैप्टर तो ये है कि कैसे आप इंटरनेट पर कोई भी धंधा सीख करके, कोई भी काम सीख करके पैसा खुद से कैसे कमा सकते हो। मतलब मैं मछली नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको मछली पकड़ने का तरीका दे रहा हूँ। आप किसी भी बिजनेस से, किसी भी काम से बहुत पैसा कमा सकते हो, क्योंकि पैसा कमाना आर्ट है, ये माइंडसेट है। ये चीज एक बार आपके हाथ लग गई, आपको किससे कमाना है आप खुद सोचोगे और आप कमाने लग जाओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग खुद से ही सीखते हैं। जिंदगी में आप चाहो उस बिजनेस से चाहो उतना कमा सकते हो, अगर आपको ये पता चल जाए, क्योंकि दुनिया के हर बिजनेस में, हर काम में पैसा कमाने के लिए कुछ ही प्रिंसिपल्स बार बार फॉलो होते हैं, वही सेम प्रिंसिपल्स हर जगह लगते हैं, हर काम के अंदर लगते हैं। आपने देखा भी होगा कि कोई इंसान एक काम जब अच्छे से सीख लेता है वो दूसरे काम को भी बहुत अच्छे से करने लग जाता है, क्योंकि कुछ ही प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर बिजनेस में एक ही तरह के काम करते हैं। और अगर कोर्स में दम ना लगे तो 7 डेज मनी बैक गारंटी भी है, वैसे आप पैसे वापस ले सकते हो बाद में दम ना लगे तो। ओके, तो ये कोर्स कब लॉन्च होगा वो तारीख मैं जल्द ही बताने वाला हूँ, और कहाँ बताने वाला हूँ वो सुन लो, आप अच्छे से ध्यान से सुन लो। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर ही लॉन्च होगा, इस कोर्स का लिंक सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर ही लॉन्च होगा, और उस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्लिक करके अभी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल फ्री है, वहां पे मैं काफी ज्ञान वैसे भी देने वाला हूँ, फ्री का ज्ञान तो ले ही लो ज्वाइन करके, और उसी टेलीग्राम चैनल में मैं तारीख बताऊंगा कब कोर्स आने वाला है, और उसी टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं लिंक सेंड कर दूंगा जो कि केवल 24 घंटे के लिए रहेगा। मुझे बस कुछ लोग चाहिए जिनको पैसों की भूख है, नंबर वन, नंबर टू, उनको अपने काम से पैसा कमाना है, पैशन से कमाना है। और पहले ही बोल देता हूँ ये माइंडसेट बिल्ड करने का कोर्स है, मतलब मैं यहाँ पे वो चीज नहीं करने वाला कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो ये हो जाएगा, उतना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा, ये कोई शॉर्टकट वॉट करनी है, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तो मत आना, क्योंकि यहाँ पे वो तरीका बताया जाएगा जिससे आप जिंदगी भर पैसा कमा सकते हो और किसी भी धंधे से कमा सकते हो, किसी भी बिजनेस से, किसी भी काम से। बाकी ज्ञान की बातें, पैसे कमाने को लेकर के, अमीर बनने को लेकर के बातें इसी टेलीग्राम चैनल के अंदर होती रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी ज्वाइन कर लो, फ्री का ज्ञान तो ले लो एटलीस्ट। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।